स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। कटौड़ा में खुला उप तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया विधिवत लोकार्पण, विभिन्न विकास कार्यों के किए शिलान्यास। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई है आसमान पर, आरोप लगाया मनारी ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद पीपू ने। बिलासपुर के नमहोल में समय सारणी को लेकर उलझे प्राइवेट बस चालक व परिचालक, लड़ाई झगड़े से बस में बैठी सवारियां हुई परेशान। और पंडोह में श्रद्धा कल्याण सभा ने स्कूली बच्चों को बांटे गर्म वस्त्र, सभा करीब और असहाय लोगों की मदद को रहती है तत्पर। सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले धनेश्वरी पुल के समीप एक बुजुर्ग पर आवारा बैल ने हमला कर दिया, जिस कारण बुजुर्ग को काफी चोटें आई है। वहां से गुजर रहे अन्य लोगों ने बैल से बचाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बैल मानसिक तौर पर परेशान है, इससे पहले भी कई लोगों को घायल कर चुका है। शनिवार देर शाम सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले धनेश्वरी पुल के समीप रोपा निवासी 69 वर्षीय संतराम गुप्ता पर एक आवारा बैल ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। संतराम दुकान बंद कर शाम 8 बजे घर लौट रहा था कि पुल से गुजरने पर एक तरफ खड़ा हो गया। जैसे ही बैल की नजर वहां खड़े संतराम पर पड़ी तो बैल ने संतराम को भगाया व हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। वहां से गुजर रहे अन्य लोगों ने बैल से बचाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बताया जा रहा है कि बैल मानसिक तौर पर परेशान है, इससे पहले भी कई लोगों को घायल कर चुका है। वहीं अब वेटनरी विभाग द्वारा बैल को दवाई दी गई है ताकि बैल जल्दी ठीक हो सके। वहीं बैल अब साथ लगती नदी में जा गिरा है। पंचायत प्रधान शीला देवी ने बताया कि बैल को नदी से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत दिनों से यहाँ एक आवारा बैल जो बहुत तगड़ा था, तड़ीला है और यहाँ घूमता रहता था और आते जाते जो लोगों को परेशान करता रहता था, और यहाँ लिंडी खड़ में अभी पड़ा हुआ है और इसको बीमार हो गया है, कुछ अब इससे उठा नहीं जा रहा है, तो कुछ लोगों की मदद से इसको थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए कहा गया है। कुछ लोग इसको मदद से बाहर निकालेंगे जो अब चलने में असमर्थ है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। प्राइवेट बस चालकों की मनमानी को लेकर कभी यात्रियों के साथ मारपीट तो कभी आपस में मारपीट की वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो जिला बिलासपुर के नमहोल कस्बे के साथ लगते भराड़ी में सामने आया है, जहां पर प्राइवेट बस चालक परिचालक टाइम टेबल को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आए। बसों में सवारियां भरी हैं, लेकिन शायद इन बस चालकों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बस अड्डों पर लड़ाई करना, यात्रियों से उलझना और मारपीट करना, बस यही कार्य इनके लिए शेष बचा है। इसी कारण हिमाचल प्रदेश में लगातार बस दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पैसे कमाना, एक दूसरे के पीछे भागना और समय सारणी को लेकर आपस में उलझना, बस यही भागा भागी इन बस चालकों को लगी रहती है। सवारियों की परेशानी उनकी जिंदगी की परवाह न करके सिर्फ पैसे इकट्ठे करना इनका मकसद रह गया है। यही कारण है कि इस पहाड़ी प्रदेश में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये बस चालक जो समय को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, इनमें एक बस पीआर कौशल और दूसरी बस कैप्टन कोच है। ये दोनों बसें शिमला की ओर जा रही थी, लेकिन समय सारणी को लेकर बस ड्राइवर व कंडक्टर आपस में उलझे और सवारियां परेशान होती रही। देखो जी, इनका ये रोज का ड्रामा है सर, ये टाइम के भी तो लड़ रहे थे और टाइम की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही है, ठीक है, और आम लोगों को इतनी परेशानियां भी हो रही है। ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ठीक है सर, तो ये मेन का मेन था टाइम के पीछे। गौर है कि अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में लोग इन बसों में सफर करने से कतराने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बिलासपुर। मेले हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है, जिन्हें संजोए रखना हमारा दायित्व बनता है। इसी परंपरा को मद्देनजर रखते हुए बिलासपुर के नमहोल में 3 दिवसीय मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रहेगी। जिला बिलासपुर के नमहोल में 3 दिवसीय मेला बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू हुआ। इस मेले का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष अमरजीत सिंह बंगा ने खूंटा गाड़ कर किया। इस मेले के शुभारंभ पर जिला परिषद अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि मेलों के आयोजन से हमारी प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और युवा पीढ़ी को इन मेलों से प्रेरणा भी मिलती है। इतनी बारिश के मौसम में और व्यवस्था
व्यस्त होते हुए भी यहाँ पर हमारे मेले में मेले का उद्घाटन किया। साथ में मैं मेला समिति के सदस्यों का भी बधाई के पात्र है जो इतनी बारिश में भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मैं इन सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। हालांकि 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रहेगी। इसके अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बिलासपुर। 7 दिवसीय खियोर नलवाड़ मेले का भव्य जलेब के साथ विधिवत समापन हो गया। इस मौके पर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेला कमेटी की ओर से उपमंडलाधिकारी गोहर राघव शर्मा, पंचायत प्रधान कमला शर्मा सहित समस्त जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं भूमि विकास बैंक के चेयरमैन पंडित शिवलाल ने मेले से संबंधित पूर्व में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। स्थानीय पंचायत प्रधान कमला शर्मा ने मुख्य अतिथि के समक्ष पंचायत के स्टेज के विस्तारीकरण व खेल मैदान के लिए पर्याप्त धनराशि की मांग की। मुख्य अतिथि प्रकाश चौधरी ने मेले में बुलाए जाने पर सबका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेले की ओर से जो भी मांग मेला कमेटी की आई है, वे इन मांगों को वकील की तरह मुख्यमंत्री के समक्ष पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव किए विकास के अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर फरेब किया है। आज महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर गरीबों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब हिमाचल में सत्ता पाने का सपना संजो रही है, लेकिन वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी। यहाँ के छबरा पंचायत के प्रधान की डिमांड मेरे पास आई है। यहाँ छबरा पंचायत के प्रधान के मेरे पास डिमांड आई है और यहाँ के दूसरी डिमांड मेरे पास आई है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कहने पे आज यहाँ आया हूँ। मैं ये जो डिमांड आपकी है, ये डिमांड मैं एक वकील के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास प्रकाश करूंगा और जो माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री करें। मैं ये भी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करूंगा, कुछ ऐसी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने या नाचर क्षेत्र में की है, उनकी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को याद बुलवाऊंगा कि जब मैं खियोड़ मेले में आपके आशीर्वाद से वहां पे गया था तो लोगों की कुछ डिमांड वहां पे आई थी और कुछ घोषणा आप जब नाचर के दौरे पे गए थे, चाहे वो विधायक के माध्यम से आई हो, चाहे टेकचंद डोगरा के माध्यम से आई हो, चाहे प्रधान के माध्यम से आई हो, मैं इन डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह यहाँ नौकरियों की झड़ी लगाई है हिमाचल प्रदेश में, मैं कहता हूँ इतने रोजगार निकाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जितने रोजगार हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे उनके कार्यकाल में मिले मिले। धूमल साहब की और शांता कुमार की तो बात लग रही, परंतु इतने रोजगार माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में दिए, उनकी बात हिमाचल प्रदेश का हर वासी कर रहा है। इस मौके पर तहसीलदार मुंशीराम, थाना प्रभारी चांद किशोर, पंचायत सचिव चेतराम, उप प्रधान उमेश कुमार, केसरीलाल, लाल सिंह, हेम सिंह, सहायक अभियंता विश्वजीत चंदेल, सत्य शर्मा, राजेश कौंडल सहित समस्त विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। एसडीएम गोहर राघव शर्मा की तरफ से सभी इलाका वासियों, गोहर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खियोड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। परंपराओं के साथ जुड़ा यह मेला आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। डीएफओ नाचन टीआर दीवान की ओर से समस्त नाचन वासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खियोड़ की हार्दिक शुभकामनाएं।
तहसीलदार नाचन मुंशीराम की तरफ से समस्त इलाका वासियों, गोहर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खिउड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। खिउड़ मेला आपके इलाके के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। उपप्रधान ग्राम पंचायत गोहर ज्ञान सिंह की ओर से सभी नाचन वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खिउड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। उपप्रधान ग्राम पंचायत बासा उमेश कुमार की ओर से समस्त नाचन वासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खिउड़ की हार्दिक शुभकामनाएं। चैल चौक से 100 मीटर दूर करसोग रोड पर खुल गया है एमएल शर्मा होम स्टे, जहां आपको ठहरने के लिए उचित दामों पर कमरों की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही यहां आपको लजीज लंच व डिनर की सुविधा भी मिल पाएगी। जिला स्तरीय नलवाड़ मेला खिउड़ में पहुंचे जिलावासी और प्रदेशवासी अपने सफर को बेहतरीन बनाने के लिए जरूर पहुंचे एमएल शर्मा होम स्टे। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान बारिश की रिमझिम फुहारों में श्रद्धालुओं ने पूजन कर मां का आशीर्वाद ग्रहण किया। तेज बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है, बरसात भी भक्तों के रास्ते की बाधा नहीं बन सकी। श्रद्धालुओं ने नवरात्रि के उपलक्ष्य पर जहां माता चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की, वहीं हवन यज्ञ पूर्णाहुति डालकर मंगल कामना की और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर अधिकारी मदन सिंह चंदेल के मुताबिक मेले के दौरान दूसरे नवरात्रे के दिन मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 4,00,000 रुपए, 70,000 रुपए नगद, सोना 21 ग्राम चांदी 800 ग्राम का चढ़ावा चढ़ा है। मदन सिंह चंदेल ने बताया कि मेला सुख शांति से चल रहा है और किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। भारी बरसात के बावजूद श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। मेले के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालु आराम से लाइनों में खड़े होकर माँ के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बस दो बसा लेके आए हाँ, बहुत यात्री मेरे नाल ने, राह दे विच सानू इन्ने यात्री मिले ने भी असी कदे इन्ने देखे नहीं। भी माता का तीसरा नराता है, फिर भी बहुत ज़्यादा रश है, बारिश हो रही है, माता के खुले दरबार ने, ठंडे झोले ने, संगत जयकारे बुला रही है, बोल साचे दरबार की। बहुत वर्षा लगी हुई है, बहुत मजा आया। तो अपना जो है रोपड़ तो आए हैं, जय जागरण मंडल का जागरण। बता दें कि मंदिर में मां के दर्शनों के लिए पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, बिलासपुर। मंडी शहर में दिन दिहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देने वाली महिला चोरी गिरोह को सिटी पुलिस चौकी मंडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ सुनील ने बताया कि चोरी के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, वह मामला दर्ज कर इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। एसएचओ सुनील ने बताया कि शनिवार को मंडी शहर की एक स्थानीय महिला ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के अनुसार जब महिला बाजार के लिए घर से निकली तो महिला ने अपने कैरी बैग में रुपयों से भरा पर्स डाल दिया और जब महिला ने बाजार में शॉपिंग के बाद कैरी बैग से पर्स निकालना चाहा तो बैग में पर्स नहीं था, वह बैग नीचे से कटा हुआ पाया गया। इस पर महिला ने सिटी पुलिस चौकी में पर्स के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसएचओ सुनील ने बताया कि पुलिस ने चोरी की घटना पर कार्रवाई अमल में लाते हुए चोरी के आरोप में 4 महिलाओं को एक होटल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस महिला चोर गिरोह के तार सांसी गैंग से जुड़े हुए हो सकते हैं और इसी गैंग से जुड़ी हुई 4 महिलाओं को बल में भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस गहनता से इस मामले की जांच कर रही है। पिछले कल दिनांक 23/9/17 को 11:30 बजे के आसपास एक कृष्णा हांडा, जो लोकल महिला यहाँ की हैं सिटी बाजार की, वो बाजार घूमने आई थी और उनके पास एक कैरी बैग था। कैरी बैग में उन्होंने अपना एक पर्स रखा था जिसमें 4,000 कुछ रुपये उन्होंने रखे थे। सामान लेने के बाद जब वो जूस पीने एक दुकान पे आई तो वहाँ पे जब उन्होंने अपना कैरी बैग खोला तो उसमें से वो पर्स गायब पाया। जब उन्होंने अपने कैरी बैग को चेक किया तो उसमें एक कट लगा हुआ था और उसके बाद उन्होंने पुलिस चौकी में रिपोर्ट करी, उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। फुटेज, सीसीटीवी फुटेज इलाके के चेक किए गए
कल इससे पहले इनपुट भी हमें मिली थी कि बल में भी एक इसी तरह का केस रजिस्टर हुआ है जिसमें 50,000 एक महिला के किसी ने निकाल लिए थे। तो ये अंदेशा था कि कुछ एक महिलाओं का ग्रुप जो है मंडी में इस तरह का काम कर रहा है, जिसकी तलाश टीम सदर पुलिस की टीम ने की और दौरान तलाशी एक होटल के अंदर से दो कमरों में 11 महिलाएं संदिग्ध अवस्था में पाई गई, जिनका हमने पूछताछ इनसे अमल में लाई और उनसे रिकवरी भी हुई है। उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। 4 महिलाएं सदर पुलिस स्टेशन ने जो आईओ हमारे उन्होंने उनको अरेस्ट किया है और 4 महिलाओं को बल पुलिस स्टेशन द्वारा भी अरेस्ट किया गया है। कार्रवाई चल रही है। ये लोग MP के रहने वाले हैं। सांसी गैंग से इनका संबंध होने के चांसेस हैं और अभी इनसे ये पूछताछ जारी है कि ये लोग कब आए थे, कहाँ आए थे और हिमाचल में इन्होंने और कहाँ कहाँ ये घटना करी है। बच्चे देश का भविष्य हैं, इनकी जरूरतें पूरी करना हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्रद्धा कल्याण सभा पंडोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदल और प्राइमरी स्कूल दारन में बच्चों को गर्म स्वेटर भेंट की। इस अवसर पर समिति के प्रधान प्रीतपाल सिंह ने बच्चों को मन से पढ़ाई करने की सलाह दी। श्रद्धा कल्याण सभा पंडोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदल और प्राइमरी स्कूल दारन में बच्चों को गर्म स्वेटर भेंट की। इस अवसर पर समिति के प्रधान प्रीतपाल सिंह ने बच्चों को मन से पढ़ाई करने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को देश का भावी भविष्य करार देते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। यह हमारी हर माता पिता और देशवासियों की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से समिति ने बच्चों को गर्म स्वेटर देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बच्चों को पाठशाला में अनुशासन के साथ अध्यापकों के बताए रास्तों पर चलते हुए अपने भविष्य को सफल बनाने का आह्वान किया, जिससे देश तरक्की के मार्ग पर निरंतर बढ़ता जाए। अध्यक्ष ने बताया कि बांदल स्कूल में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक और दारन स्कूल में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्वेटर बांटी गई। अध्यक्ष ने कहा कि 3 वर्षों से सभा लगातार अलग अलग स्कूलों में सर्दियों में स्वेटर बांटती आ रही है और सभा गरीब और असहाय लोगों की भी सहायता करती रहती है। इस साल सभा ने एक महिला और एक बच्ची का जिनका हार्ट का इलाज शिमला में चल रहा था और एक का चंडीगढ़ में चल रहा था, उनकी सहायता की और पंडो के नजदीक 2 घरों में लगी आग में प्रभावितों को कपड़े और बर्तन भेंट किए। श्रद्धा कल्याण सभा ने हर साल की भांति इस साल भी दारन स्कूल और बांदल स्कूल में स्वेटरों का वितरण किया है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हर साल सभी के सहयोग से ऐसा करते रहेंगे। ये कई सालों से जो है ऐसा कोटियों का वितरण और अन्य कार्य कर रहे हैं जिनके लिए ये प्रधान और अन्य समिति जो है बधाई के पात्र है। मैं बच्चों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने जीवन में उठें और बिल गेट्स के इस बात को हमेशा याद रखें, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक, यानी कि यदि आप गरीब घर में पैदा होते हैं यह आपकी गलती नहीं है, अब अगर आप गरीबी में ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। मैं बच्चों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने तन मन धन से पढ़ाई करें और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। बच्चों को स्वेटर्स बांटे गए, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक स्वेटर बांटे गए और साथ में बच्चों को मिठाई भी दी गई। मैं सभी बच्चों की तरफ से, सभी अध्यापक और अभिभावक की तरफ से श्रद्धा कल्याण सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने स्वेटर वितरित करने के लिए हमारे स्कूल को चुना और आशा नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि ये शुभ काम जो ये कर रहे हैं इसी तरह आगे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में अपना कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल माया गुलेरिया और XCNBBMB JP गुप्ता ने भी सभा द्वारा बच्चों को स्वेटर प्रदान करने को लेकर धन्यवाद किया। इस मौके पर सभा सचिव देशराज ठाकुर, लीला मणि, सुरेंद्र पाल, सचिन शर्मा, जीवानंद जीआर ठाकुर और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडो से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।